हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीवियस नोट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रीवियस नोट्स में। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है और ये कैसे डिफरेंट है ह्यूमन राइट्स काउंसिल से, जो कि यूनाइटेड नेशन ने एस्टेब्लिश की है रिसेंटली 2006 में। और जानेंगे कि OHCHR के क्या फंक्शन है, क्या बैकग्राउंड था, क्यों ज़रूरत पड़ी इसे एस्टेब्लिश करने की, और क्या क्या काम और क्या क्या फंक्शन ये करती है। आपको ये वीडियो देखने के बाद इन दोनों बॉडीज़ में, जो कि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वो कमिश्नर के ऑफिस जो ह्यूमन राइट्स का है या फिर ह्यूमन राइट्स काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की, उसमें क्या डिफरेंस रहता है, वो सब क्लियर हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। देखिए, इसका बैकग्राउंड देखते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड कोल्ड वॉर जो चल रही थी 1992 तक, वो एंड होती है 1992 में, और पहली वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स जो है वो वीना में ऑस्ट्रिया में होती है 1993 में, 14 to 25 जून तक। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट जो है वो मेंशन है वीना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन में। वीना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन इज़ ए ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन जो कि एडोप्ट की गई थी 25 जून 1993 में वीना में, और इस डिक्लेरेशन में ही कहा गया कि एक हमें यूनाइटेड नेशन के हाई कमिश्नर के ऑफिस की ज़रूरत है, और ये रिकमेंडेशन मान ली गई थी जनरल असेंबली में। हम जानते हैं यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में ही अगर कोई नया ऑर्गन बनाना है जो सब्सिडरी होगा, वो सब जनरल असेंबली में ही रिजोल्यूशन पास करके किया जाता है। तो 48/141 रिजोल्यूशन का नाम था, और इस रिजोल्यूशन के तहत जो है हाई कमिश्नर का ऑफिस अपॉइंट किया गया। देखिए, ये ज़रूरत क्यों महसूस की गई, ये ज़रूरत इसलिए महसूस की क्योंकि काफ़ी सारा बर्डन था जो कि यूनाइटेड नेशन पर था। ये महसूस किया गया कि एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि ह्यूमन राइट्स के फील्ड पर सब चीज़ें ट्रैक करे, कौन सी स्टेट में क्या चल रहा है, कहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, या फिर जो सेक्रेटरी जनरल है कोई उन्हें कार्य देते हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, तो वो उस फील्ड में एक्सपर्ट हों और वो उस कार्य को कर सकें और एडवाइस भी दे सकें सेक्रेटरी जनरल को। यानी कि एक सेपरेट सेक्रेटेरिएट ऑफिस बना दिया गया ह्यूमन राइट्स का। अब बैकग्राउंड तो हमें क्लियर हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली ये क्या है, OHCHR यानी कि ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसे हम UN ह्यूमन राइट ऑफिस भी कहते हैं। ये क्या है, इज़ ए डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटेरिएट ऑफ यूनाइटेड नेशन दैट वर्क्स टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट। यानी कि ये एक सेक्रेटेरिएट का डिपार्टमेंट है, सेक्रेटेरिएट है UN का, जो यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है और उन्हें प्रोटेक्ट करता है। देखिए, अगर ये ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कोई बॉडी बनाई गई, कोई सेक्रेटेरिएट बनाया गया, तो डेफिनेटली उसे प्रोटेक्ट और प्रमोट तो करेगा, ये बेसिक सी चीज़ है। लेकिन ये क्या, एक सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट, जैसे आप देखेंगे दिल्ली सेक्रेटेरिएट, आप देखेंगे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, उनका कार्य क्या होता है, जो एडमिन वर्क होते हैं या फिर जो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए या फिर जो भी उन्हें कार्य दिया जाता है, वो सब करते हैं। तो एक सिमिलर ऑफिस है OHCHR यूनाइटेड नेशन का, जो ह्यूमन राइट के ऑफिस कहा जाता है जिसे, और ह्यूमन राइट से रिलेटेड इन कार्यों को देखता है। आगे बढ़ते हैं। The office was established by United Nations General Assembly on 20 December 1993, यानी कि जिस कॉन्फ्रेंस की हमने बात की थी बैकग्राउंड में, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स, उसके बाद ही देखिए 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है, उसका डबल 20 दिसंबर 1993 को इस ऑफिस को एस्टेब्लिश किया गया। ये क्या है, एक्ट एज द सेक्रेटेरिएट ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, और ये जेनेवा में है, जो ह्यूमन राइट काउंसिल जेनेवा में है उसका सेक्रेटेरिएट की तरह ये काम करता है। जो करंट हाई कमिश्नर है वो है वोकर टर्क फ्रॉम ऑस्ट्रिया, जो कि 8th है हाई कमिश्नर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो होगा ही प्रमोट करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर ह्यूमन राइट। अब देखिए, पहले हम सारे ऑब्जेक्टिव और इसके फंक्शन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसका क्रक्स बताऊंगा जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। दूसरा क्या है, स्टिमुलेट एंड
कोऑर्डिनेट एक्शन फॉर ह्यूमन राइट्स थ्रू आउट द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, यानी कि कोऑर्डिनेशन करना ह्यूमन राइट के टॉपिक पर थ्रू आउट द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। कहीं पर भी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है ह्यूमन राइट के ऊपर तो ये कार्य करता है। प्रमोट करना यूनिवर्सल रेटिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ह्यूमन राइट से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड है उनको प्रमोट करना और इस तरह करना कि बाकी जो कंट्रीज हैं वो उसे रेटिफाई करें। असिस्ट करना इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू नॉर्म, अगर कोई नया नॉर्म आता है तो असिस्ट करना सभी मेंबर कंट्रीज को। सपोर्ट करना ह्यूमन राइट ऑर्गन एंड ट्रीटी मॉनिटरिंग बॉडी, यानी कि ये एक ट्रीटी मॉनिटरिंग बॉडी भी है, अगर कोई ट्रीटी साइन करता है तो वो मॉनिटर भी करती है कि वो कितने इंप्लीमेंट इसे कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड टू सीरियस वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, डेफिनेटली ये करेंगे। प्रमोट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में भी प्रमोट करते हैं अगर कोई ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है तो। अंडरटेक ह्यूमन राइट फील्ड एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशन, ये ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ को देखते हैं और उसके ऑपरेशन को देखते हैं। प्रोवाइड एजुकेशन इंफॉर्मेशन और टेक्निकल असिस्टेंट देते हैं ह्यूमन राइट्स के टॉपिक पर एक्टिविटीज़ पर। अब देखिए अभी तक हमने जितने भी देखे ह्यूमन राइट्स के ऑब्जेक्टिव और इसके फंक्शन, अब देखेंगे पहला तो है ये कि ह्यूमन राइट को प्रमोट करना कोऑर्डिनेट करना, लेकिन इसका जो आपको क्रक्स बताता हूँ मेन काम क्या है। देखिए जो यूएनएचआरसी है जो हम डिस्कस करेंगे वो एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और ये एक सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट है। अगर मान लीजिए इंडिया है, इंडिया को कोई भी चीज़ की हेल्प चाहिए ह्यूमन राइट के टॉपिक पर, से सपोज कोई नई टेक्नोलॉजी से ह्यूमन राइट वॉयलेशन को ट्रैक किया जा रहा है तो वो डायरेक्टली ओएचसीएचआर पर जा सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो टेक्नोलॉजी दी जाए। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है या फिर कोई ह्यूमन राइट से रिलेटेड लॉ उन्हें पास करना है, कोई ट्रीटी पास करनी है तो इनसे सजेशन ले सकते हैं किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, क्या नॉर्म्स हैं, क्या कंडीशन है, यानी कि जो भी क्वेरीज का एड्रेसल होता है वो ये बॉडी करती है, ये एक सेक्रेटेरिएट की तरह काम करती है। नेक्स्ट है ऑपरेशनली OHCHR वर्क्स विद गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, कोर्ट्स, नेशनल इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी एंड बिजनेस कम्युनिटी, रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये सब जितना भी मैंने बोला है कि गवर्नमेंट के साथ भी करती है, लेजिस्लेचर के साथ भी काम करती है, कोर्ट के साथ भी, डेफिनेटली ये यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, एक ऑफिस है, तो ये डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करेगी, अगर उन्हें कोई लेजिस्लेचर पास करना है तो भी कोऑर्डिनेट करेगी, कोर्ट के साथ भी करेगी अगर उनकी कोई क्वेरी है तो, और नेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ भी करेगी, और इनके इन सब के साथ एक ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं ताकि प्रमोट किया जा सके और स्ट्रेंथन किया जा सके ह्यूमन राइट्स को। OHCHR works with all level of the government internationally to achieve its goal to protect human rights across the globe. यानी कि इसको प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करते हैं। अब देखिए हमने देखा, अब UNHRC के बाद जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए ये एक सब्सिडरी ऑर्गन है, मेन ऑर्गन हमें पता है जैसे इकोसोक हो गया, जनरल असेंबली हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, ये मेन ऑर्गन है। अगर कोई और ऑर्गन बनाना है तो सब्सिडरी ऑर्गन जो है वो यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल आई थिंक 28 है, आप करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो, उसको यूज़ करके जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया जा सकता है और कोई सब्सिडरी ऑर्गन बनाया जा सकता है। OHCHR जो है वो एक सेक्रेटेरिएट है, वो सब्सिडरी ऑर्गन नहीं है, यानी कि वो एक ऑफिस है लेकिन वो सब्सिडरी ऑर्गन है। जो UNHRC है ये हम डिफरेंस हम देख रहे हैं कि कमिश्नर ऑफिस और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में क्या डिफरेंस है। पहला तो ये हो गया कि वो सब्सिडरी ऑर्गन है लेकिन वो एक सेक्रेटेरिएट है। उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2006 में UNHRC का, लेकिन इसका 1993 में हुआ था। अब मेन आता है इसका स्ट्रक्चर, UNHRC में 47 मेंबर हैं जो कि 3 ईयर के टर्म के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं, और कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, ये जनरल असेंबली सिलेक्ट करती है, यानी कि जो मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का वो सिलेक्ट करती है, वो सिंपल मेजोरिटी से सिलेक्ट किया जाता है कोई भी मेंबर कंट्री को, और 3 साल की उसकी टर्म रहती है। और आप देखेंगे रीजन वाइज भी इनकी क्या है, सीट रिजर्व रहती है, जैसे 13 मेंबर कंट्रीज जो है वो अफ्रीकन ग्रुप की होनी ज़रूरी है, 13 ही एशिया पैसिफिक ग्रुप की होनी ज़रूरी है, 6 जो है वो ईस्टर्न यूरोप से आते हैं, 8 जो है लेटिन अमेरिका है एंड कैरिबियन ग्रुप से आते हैं, और 7 जो है वो वेस्टर्न यूरोप और अदर ग्रुप से आते हैं। यानी कि इस तरह से 47 सीट जो है वो UNHRC की होती हैं, वो एक ग्रुप है जो 3 साल के लिए हर एक मेंबर कंट्री को चुना जाता है जनरल असेंबली के द्वारा। ये स्ट्रक्चर है किसका, UNHRC का।
अब हम देखते हैं OHCHR का क्या स्ट्रक्चर है। देखिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये जो है काम करता है अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, और डिप्टी हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट भी होता है जो कि हाई कमिश्नर के अंडर होता है। इसी तरह से असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी होता है ह्यूमन राइट्स का, और इनका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। इसके बाद डिफरेंट स्टाफ होते हैं जो हाई कमिश्नर को हेल्प करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। आपको स्ट्रक्चर से ही पता चल गया होगा कि UNHRC का क्या काम है एंड OHCHR का क्या काम है। वो एक काउंसिल है, उसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर डिस्कस किया जाता है, रिजोल्यूशन पास होते हैं, कंट्रीज़ को कंडम किया जाता है, कौन सा रिजोल्यूशन टेबल पर आएगा नहीं आएगा वो डिसाइड किया जाता है। लेकिन जो OHCHR का काम है वो एक सेक्रेटेरिएट की तरह है, लेकिन वो करते हैं वोलेशन को, वो कहते हैं कि हाँ यहाँ पर वोलेशन हो गया, लेकिन वो सेक्रेटरी जनरल को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ज़्यादातर, और सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन के कहने पर ही वो काम करते हैं। मेनली उनका काम प्रमोट करना है, डिफरेंट कंट्री से कोऑर्डिनेट करना है, उन्हें टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करना है, लेकिन यहाँ वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ नहीं है, वो डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, सेक्रेटरी जनरल के द्वारा, यानी कि OHCHR को अपॉइंट करता है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। लेकिन UNHRC का हमने देखा है वो 47 मेंबर हैं, इलेक्ट किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा, और मेन फंक्शन में हमने देखा क्या क्या फंक्शन है, किस तरह से इनके फंक्शन डिफरेंशिएट करते हैं। जो काम हाई कमिश्नर का है, जो यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स का है, वो काम विथ डिफरेंशिएशन है UNHRC में, यानी कि वो कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से। अब UNHRC भी कर सकता है कोऑर्डिनेट, लेकिन जिस लेवल पर हाई कमिश्नर करता है ह्यूमन राइट्स का, उस लेवल पर नहीं करता। तो इस तरह से इनमें डिफरेंस किया जा सकता है फंक्शंस के बेसिस पर भी। आई होप आपको क्रक्स समझ आया होगा किस तरह से ये दोनों जो हैं डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत मेहनत लगती है एक टॉपिक को कवर करने में, उसको पूरी इंफॉर्मेशन जानने में, और फिर आपके आपके सामने पेश किया जाता है। आपका एक लाइक बटन ही चाहिए हमें, और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड